अभी तक हमने जो है फॉर्मूले की कैटेगरी में इफ फॉर्मूला किया हुआ है। इफ फॉर्मूला में हमने देखा था कि किस तरीके से हम कंडीशंस लगाते हैं और उस कंडीशंस के बिहाफ पे रिजल्ट देते हैं। तो इफ फॉर्मूला हमने इस क्लास में किया है। अब अगली कैटेगरी जो आता है टेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मूला, मतलब कि अगर आपके पास टेक्स्ट के ऊपर कुछ कैलकुलेशन या कुछ इवेंट करने हो तो कैसे करेंगे, ये हम टेक्स्ट फॉर्मूला में जानेंगे। तो आप लोग अपने पास एक नोटबुक रख लीजिए, अगर कोई छोटी मोटी डाउट हो उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रीवियस क्लासेस से कोई डाउट है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला मेनू बार में आए तो लॉजिकल के बाद हमारे पास टेक्स्ट आता है। हमने लॉजिकल से स्टार्ट किया था, एक कैटेगरी हमने किया है, उसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट का। अब टेक्स्ट फॉर्मूले में चलिए क्या क्या है देखते हैं। लॉजिकल में एक नया फॉर्मूला है स्विच का। स्विच, बेसिकली स्विच का जो फॉर्मूला है 2016 में नया आया हुआ है, इससे पहले वाले वर्जन में नहीं था। इससे पहले वाले वर्जन में वीवीए में था। जैसे कि मान लीजिए ना कि मुझे कुछ यहाँ पे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कोड कुछ लिखे हुए हैं, कोड जैसे कि 11 124 12022 इस तरह से। अब मुझे क्या करना है कि इसमें पांच कोड हमें देना है कि 11 आया तो दिल्ली होगा, 124 आया तो गुड़गांव होगा, 120 हुआ तो नोएडा होगा, 22 आया तो मुंबई हुआ, और 33 आया तो कोलकाता होगा। राइट। अब बेसिकली अगर मैं इफ के साथ लिखना चाहूं तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा कि इफ अगर ए इक्वल टू डबल वन हुआ तो मैं यहां पे न्यू दिल्ली लिखूंगा, फिर कॉमा हम यहां पे देंगे कि इफ अगर ए इक्वल टू 124 हुआ तो गुड़गांव। इफ में ऐसे नेस्टेड इफ लगा के हमें आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन तो जब इस तरह के काम आपके पास आए तो हम इस्तेमाल करते हैं यहां पे स्विच का। स्विच एक्सप्रेशन वैल्यू, एक्सप्रेशन वैल्यू हमने बोला कि अगर ए इक्वल टू 11 है तो यहां पे न्यू दिल्ली आना चाहिए। ठीक है, कॉमा, फिर मैंने बोला कि यहां पे इक्वल टू अगर ए 124 हुआ, 124 हुआ तो यहां करना चाहिए जी। लेकिन मुझे नहीं, मुझे लग रहा है कि कुछ गलती हुई है, क्योंकि तो वो स्विच नहीं है जो वीवीए में स्विच था, ये वो स्विच नहीं है, ये वो स्विच नहीं है। एक्सप्रेशन वैल्यू वन रिजल्ट वन, डिफॉल्ट ऑन वैल्यू वन रिजल्ट टू, एक मिनट, इसलिए वीवी में स्विच था वो स्विच ये नहीं है। वीवी ने जो इस जो ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये पहले हम लोग इसको वीवी में इस्तेमाल करते थे कि स्विच में क्या होता था कि हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं, रिजल्ट देने, हर बार हमें इफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट ये कुछ नया दिया है क्या? ओके, हम थोड़ा सा हम गलत लगा दिए। यहां पे होगा स्विच, स्विच में हम देंगे एक्सप्रेशन कि आपका एड्रेस क्या है।
अगर ये 1-1 हुआ तो ये दिल्ली आना चाहिए, इसमें कंडीशन लगाने की भी जरूरत नहीं है। कॉमा अगर 1-2-4 हुआ तो ये होना चाहिए डिसीजन, थोड़ा सा लगाने का तरीका चेंज कर दिया इसमें। और अगर ए यहाँ पे अगर 1-2-0 हुआ तो नोएडा, इस तरह से देना है। अभी दिल्ली आ गया, नीचे देखो डिसीजन आएगा नोएडा आएगा। गंजी समझ में आया आपको है? स्विच का फॉर्मूला तो मल्टीपल कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन याद रखिएगा ये अपर वर्जन का मतलब कि 2016 का फॉर्मूला है, तो इससे लोअर वर्जन में आई थिंक ये सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा, नहीं मिलेगा आपको। लेकिन हाँ, लोअर वर्जन में वीवीए में है, ठीक है। एक फॉर्मूला छूट गया था मेरी नजरों से, मैंने बता दिया, मैंने अभी जस्ट आज ही देखा है वो बुलाए। ओके, अब बारी आया टेक्स्ट फॉर्मूले। अब टेक्स्ट फॉर्मूले में क्या क्या है, टेक्स्ट कैटेगरी की जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं बैटेक्स। बैटेक्स फॉर्मूला का अगर बात करें तो नंबर को वर्ड में कन्वर्ट करता है, लेकिन हमारे लिए यूजफुल नहीं है क्योंकि थाई में जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 1-2-0 लिख दिया ना, इसने थाई लैंग्वेज में 120 बात लिखा। तो गूगल ट्रांसलेटर पे ले जाकर चेक करेंगे तो आपको दिखेगा, लेकिन तो हमारे कोई यूज का नहीं है, क्योंकि तो हमें तो इंग्लिश में चाहिए ना, इंग्लिश में करता नहीं है। उसके बाद हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, कैर एंड कोड, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, कोई भी करेक्टर हम लिखते हैं, जैसे हमने ए लिख दिया, तो एक्सेल इसको एक कोड से जानता है, जो कि कोड फॉर्मूला बताता है इसका कोड क्या है, 65। और करेक्टर कैर जो है कोड को वापस करेक्टर में कन्वर्ट करता है, मतलब आपके पास करेक्टर है तो कोड के मुझे कोड निकाल सकते हैं, अगर आपके पास कोड है तो करेक्टर से करेक्टर निकाल सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज दैट, इसका बेनिफिट क्या है, हम क्या इस्तेमाल करेंगे अपने ऑफिशियल लाइफ में, तो ये अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं या कभी कभी टाइपिंग पे आते हैं, तो एक छोटी सी मिस्टेक होती है कि अनवांटेड स्पेस, जैसे सुजीत लिखा तो लास्ट में स्पेस रह गया, या सुजीत कुमार में एक से ज्यादा स्पेस हो गया या पहले स्पेस हो गया, तो ऐसे जो है अनवांटेड स्पेसेस हमें मिल जाते हैं, जिससे प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे मैचिंग में दिक्कत हो जाती है, वीलुकअप वगैरह सही से नहीं लगता है। तो उस केस में हम यहां पे लगाते हैं फॉर्मूला ट्रिम का। ट्रिम फॉर्मूला क्या करता है कि अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। इसमें स्पेस रिमूव हो गया, कैसे पता चला, आप लेन फॉर्मूला लगाइए। लेन फॉर्मूले देखिए 6 आ रहा है ना, लेन फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी सेल का लेंथ काउंट करता है। तो अगर मैं यहां पे इसको लगाऊं लेन, तो ये 7 था, 7 है और यहां पे 6 हो गया, तो एक स्पेस को रिमूव कर दिया। और यहां से आप दिख रहा है कि बहुत सारे स्पेस थे, तो एक स्पेस छोड़ के बाकी को डिलीट कर दिया। तो ये ट्रिम जो है स्पेस को रिमूव नहीं करता है, अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। तो कभी कभी दिक्कत होती है कि डेटा मैच, डेटा आपको सामने से ही दिख रहा है लेकिन मैच नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम होती है, तो आप ट्रिम और क्लीन कर ले। अब क्लीन क्या होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि सुजीत से लिखा और हमने ऑल्ट एंटर करके रैप कर दिया, ऑल्ट एंटर, और यहां पे कुमार। अगर मैं इसमें ट्रिम लगाता हूं, एक चीज देखिए यहां पे क्या होगा कि यहां पे सुजीत कुमार आपको दिख रहा है, लेकिन सुजीत कुमार जो आपको दिख रहा है इसमें टी और के बीच में एक नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है। अगर आप इसकी लेन निकाल के काउंट करें तो पता चलेगा कि यह 12 है, जबकि मैनुअल काउंट में 11 होना चाहिए। तो एक करेक्टर ऐसा है जिस जो कि विजुअल नहीं है लेकिन है, इसको नॉन प्रिंटेबल करेक्टर कहते हैं। तो यहां पे हम क्लीन फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ऐसी चीजों के लिए। क्लीन क्या करता है, क्लीन कर देता है।
अब वापस मैं लेन लगाता हूं, देखिए यहां पे 11 है, ठीक है गगन जी। अभिषेक जी एक सुजीत जी एक चीज बताइए, जहां आपने ये 7 के नीचे सुजीत और फिर सुजीत कुमार लिखा है, अगर यहाँ पे कुमार के लिए कैपिटल में नहीं होता तो उसके साइड में, हाँ इसको अगर कैपिटल नहीं करें, इसको स्मॉल्स में कर दें के को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी डिटेक्ट कर लेगा ये। ओके उसको तो स्पेस डिटेक्ट करना है, करेक्टर्स में मतलब नहीं, कुछ भी लिखा हो सकता है, एबीसीडी एक्स वाई जेड एवरीथिंग, उसको तो फंक्शन किया गया है कि स्पेस रीड करो। पता है एक कंप्यूटर की एक खामी कही है, खासियत कही है, कि जो प्रोग्राम किया गया है वही वो रीड करता है, जितना उसको ऑर्डर दिया गया है उतना ही करता है। एक टीवी सीरियल आता था चिड़ियाघर आपके सब पे, उसमें गधा प्रसाद है, जस्ट लाइक गधा प्रसाद होता है, जो कहिएगा वही करेगा। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए लिखा गया क्या, ट्रीन को, तो स्पेस को, तो स्पेस ही आइडेंटिफाई करेगा, चाहे करेक्टर में कुछ भी हो उससे भी आइडिया नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं कि अब यहां पर जैसे क्लीन लगाया, सुजीत और कुमार को इसने सटा दिया, मतलब कि इसका जो सेपरेटर था फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम का सेपरेटर था, उस सेपरेटर को रिमूव कर दिया। मैं चाहता हूं कि नहीं यार, सेपरेटर होना चाहिए, मतलब कि जो रैप टेक्स्ट था उसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं स्पेस से, मतलब नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर जिसको क्लीन ने डिलीट किया है उसको डिलीट ना करके हमें रिप्लेस करना है कुमार से, तो स्पेस से। तो हम बात कर रहे हैं कि किसी सेल वैल्यू के अंदर किसी सेल पर्टिकुलर कैरेक्टर को किसी अनोदर कैरेक्टर से रिप्लेस करने की, किसी सेल वैल्यू के अंदर किसी पर्टिकुलर करेक्टर को किसी अनोदर करेक्टर से रिप्लेस कर, राइट तो उसके लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला रिप्लेस कर, माफ कीजिए सब्स्टिट्यूट, दो फॉर्मूला रिप्लेस भी है, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी सेल वैल्यू को उसमें डाल दीजिए, उसका अनोदर सेल किस करेक्टर को किससे रिप्लेस करना है। सही बात, जैसे मुझे डॉट को डैश से करना है तो मैंने बोला सब्स्टिट्यूट G1 में डॉट जहां जा भी है उसको डैश से रिप्लेस करना, एंटर मारेंगे तो जहां जहां डॉट था उसको डैश बना के दे दिए। तो सब्स्टिट्यूट क्या करता है कि सेल वैल्यू के अंदर किसी करेक्टर को किसी अनोदर करेक्टर से रिप्लेस कर देता है, जितने भी करेक्टर है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें एक लास्ट में इंस्टेंस नंबर था, सबसे पहले एक बार और रिपीट कर दूं कि ये बड़ी ब्रैकेट में है, तो किसी भी फॉर्मूले के अंदर अगर वो बड़ी ब्रैकेट में है इसका मतलब कि वो ऑप्शनल है, मतलब कि अगर मैंने बोला कि अवन तो ए क्या करेगा, पहले डॉट को डैश बनाएगा बाकी को नहीं बनाएगा, तो पोजीशन से जो पोजीशन डालोगे उसके अकॉर्डिंग रिप्लेस करेगा, नहीं डालोगे तो पूरा को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला रिप्लेसिंग का, ये एक फॉर्मूला है वो है रिप्लेस का, तो सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस का वर्क एक ही है, बस तरीका अलग अलग। सब्स्टिट्यूट क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है कि किसी भी करेक्टर को किसी अनोदर करेक्टर से रिप्लेस कर देता है, लेकिन रिप्लेस क्या करता है कि किसी सेल वैल्यू के अंदर मैंने बोला कि भैया तुम चौथे नंबर से एक लेटर को इससे रिप्लेस करो,
पोजीशन के हिसाब से कि चौथे नंबर करेक्टर को एक करेक्टर से रिप्लेस करो। जो आपको किसी एक करेक्टर के हिसाब से नहीं, उसकी उसके अंदर जो है पोजीशन है, पोजीशन से रिप्लेस करना हो तो उस केस में हम रिप्लेस का इस्तेमाल। समझ में आया सर? एक सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस फॉर्मूला अभिषेक जी, गगन जी, शारदा प्रसाद जी, समझ में आ गया? हाँ जी आ गया। बट यहां पे कैसे करें? अब मान लीजिए कि यहां जो मैं टीम लगा के जो रिजल्ट निकाला हुआ है उसको देखते हैं। बट यहां पे मैं अगर लिखूं कि सब्स्टिट्यूट और बोला कि इसमें से अब ऑल्टरनेटिव कैसे दूंगे तो नीचे आ गया। तो प्रॉब्लम यह है कि इससे जो सेपरेटर है उसको ऑल्ट एंटर से आया जाता है, ऑल्ट एंटर इज अ शॉर्टकट, तो इस शॉर्टकट थोड़ी इसमें डालेंगे। तो कैसे लिखे करेक्टर, क्योंकि एक करेक्टर तो कहीं भी नहीं है आपके इसमें कीबोर्ड में। तो उसके लिए हम ऊपर भी कैर कोड वाला मेथड इसको यूज करेंगे कि हम एक सेल पे ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे और इसका कोड पता करें। तो पता चला कि इसका कोड जो है वो 10 है, मतलब कैर के अंदर मैं 10 रखूंगा तो सेम करेक्टर को वो रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और यहां कैर फॉर्मूला के अंदर यहां A10 डाल दिया और बोला स्पेस। इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आना चाहिए कि इन फ्यूचर में कभी आपको ऐसा कोई स्पेशल करेक्टर हुआ जिसका की बोर्ड के जरिए टाइप नहीं कर सकते तो यू कैन यूज द कोड एंड कैर फॉर्म। ठीक है सर? अभिषेक जी, गगन जी, जी ओके, हाँ जी कंसेप्ट क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ जी चलिए, अब उस मिसलेनियस फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, जैसे कि केस को चेंज करना, लोअर केस में मैं चाहता हूँ अपर केस में कन्वर्ट हो जाए तो यूज अपर फॉर्मूला, वापस लोअर, लोअर फॉर्मूला, प्रॉपर। तो अपर फॉर्मूला हर एक लेटर को अपर लेटर में कन्वर्ट कर देता है, लोअर फॉर्मूला हर एक लेटर को लोअर में कन्वर्ट करता है और प्रॉपर सेंटेंस के हर वर्ड का पहला लेटर को अपर करता है, बाकी को स्मॉल लेता है। अभी भी हमने आपको इफ के फॉर्मूले पढ़ाया, उसमें क्या है कि राम और राम ये दोनों जो है नॉर्मल कंडीशन करता है बराबर, इफ या किसी कोई भी और लॉजिकल कंडीशन लेंगे चाहे मैच वगैरह और वगैरह, तो यहां पे आपको बराबर मिले। लेकिन मुझे एग्जैक्ट मैच करना, कि अगर दोनों एग्जैक्ट हो तो बराबर, तो उस केस में हम यहां पे एग्जैक्ट कमा लिखेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कमा इसको सिलेक्ट करेंगे। एग्जैक्ट में जैसा लिखा हुआ है अपर है तो पूरा अपर में होना चाहिए, तभी वो ट्रू देगा अदरवाइज फॉल्स।
इसका इस्तेमाल भी आप अपने अपने लाइफ में कर सकते। दूसरा, कभी कभी इनवाइसिंग वगैरह आप निकालते हैं तो नंबर आप लिखते हैं अमाउंट लिखा, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि गलती से कभी इसमें कोई शॉर्टकट बन गया तो डेट या टाइम में बन गया जो कि गलत है। ठीक होता है, पेमेंट से पहले कोई शॉर्टकट बन गया। मैं चाहता हूं इसके ऊपर किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग इफेक्ट ना करे, नंबर की फॉर्मेटिंग डॉलर डेट टाइम और डेसिमल वगैरह। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है फिक्स, कई लोग इनवाइसिंग वगैरह में करते हैं फिक्स, इसके अंदर अपना नंबर डालते हैं। अब इसके ऊपर आप किसी भी तरह का फॉर्मेटिव परसेंटेज हो गया ये हो गया आप लगाओगे तो इफेक्ट लिख देना, समझ गए सर? इसका इस्तेमाल छोटी सी चीज है लेकिन जो हमें जरूरत पड़ती है हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। अब चलिए अब हम बात करते हैं कंबाइन करने की। सुजीत और कुमार हमने अलग अलग सेगमेंट ले रखा है, इन दोनों को हमें आपस में कंबाइन ज्वाइन करना है। तो उसके लिए हम कॉन्करेंट यूज करते हैं, ये बात तो पता ही होगा आपको। इसको सेलेक्ट किया, सेपरेटर लगाना है तो इन्वर्टर कॉमा स्पेस, सॉरी सेलेक्ट करना भूल गया, इसको सेलेक्ट करें आ गया। दूसरा तरीका है इसको आप सेलेक्ट कीजिए और एन परसेंट भी लगा सकते हैं, एन परसेंट के जरिए भी आप कंबाइन कर सकते हैं, दोनों सेम बात, एन परसेंट लगा के भी कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं यहां डेट डालता हूं, यहां पर लिखना है वर्क फ्रॉम कलकर लगा, इसको सिलेक्ट किया टू और यहां पे एंड परसेंट लगाना भूल गया, या फिर इसको कॉर्डिनेट भी रख सकते हैं। तो ये नंबर क्यों है? टाइम पे अगर आप फॉर्मूला लगाते हो या परसेंटेज जो फॉर्मूला लगाते हो कॉन्टिनेट का तो आपको इस तरह नंबर आया, क्यों? वो डेट दिख रहा है विजुअल में आपके एक डिजाइन है बट ओरिजिनल जो है 42,336 ही है। जब आप डेट टाइम परसेंटेज वगैरह पे अगर आप ज्वाइन करते हो तो इस तरह की प्रॉब्लम आए। इस तरह के कॉलम को निपटने के लिए क्या करना है, यहां पे हम इक्वल टेक्स्ट फॉर्मूला इसको सिलेक्ट किया और यहां पे जो हमने क्वेश्चन फॉर्मेटिंग में आपको पढ़ाया था वो डाल देंगे डेट का। ठीक है, उसके बाद हम अपना एन परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका रिजल्ट इस तरह से। ठीक है अभिषेक जी, गगन जी, शारदा जी, जी 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 सर, ओके जी, ये फाइल मैं आपको भेज रहा हूं, इसका आप प्रैक्टिस करें। आज मैंने आपको टेस्ट का थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट बताया, कल हम आपको टेस्ट का एडवांस कंसेप्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा चीज पूछना चाहूंगा। हाँ जी पूछिए। इस समय आप डेट लिखते हैं 19/7/2017,
बोलिए। आप एक मिनट देखिए। क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे अगर हमें मालूम है कि आज 19 है और कल बिल है, कभी हम इनवॉइस में यूज कर सकते हैं, तो हम सिर्फ 20 लिखें, कल की डेट जैसे आ रही है तो हम सिर्फ 20 लिखें, बाकी का वो अपने आप ले ले मंथ और ईयर। देखिए ये चीजें जो है ना, ये चीजें आपको हम बताएंगे, देखिए कैलकुलेशन में फिर बता देते आपको। देखिए आप जब 20 लिखे तो 20 लिखते ही यहां पे कितने होगा, यहां पे 150 हो सकता है। कैसे? मेरे पास एक डेट का फॉर्मूला है, ईयर हमने बोला कि टुडे से ले लो, हमने बोला मंथ वो भी टुडे से लेकर, और यहां पे हमने बोला कि डेट जो है डे है, वो डेट फॉर्मेट में कर दीजिए। तो जो लिखोगे हम यहां पे 1 लिखेंगे, 1 जुलाई, ठीक है, लेकिन ठीक है जी। यहां पे चाहते हो जहां लिख रहे वहीं पे हो जाए, उसके लिए क्या करना होगा कि आप इस तरह से लिखते हैं 7/9, इतना लिखेंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं आप। अच्छा डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन 2 क्लास बाद, एक एक दो क्लास बाद डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन नहीं आएगी, तो मैं और भी चीजें बता दूंगा, ठीक है। देखिए फाइल मैं आपको भेज देता हूँ और रिकॉर्डिंग उस दिन में अपडेट कर देता हूँ, मिल जाएगा आपको। ओके बाय, सी टुमारो।